का फायदा है? गुरु महाराज ने कही तो बीड़ी पियते हैं, आहा का फायदा है? तो तमाकू खाते का फायदा है? फायदा के काने करे जाए, अरे कछु काम तो उनको फायदा के काने तो कर ले, जिनसे कोई फायदा है रही है? जब जैसे जिनसे कोई फायदा ना है रही ताके बावजूद तुम तो कर रहे हो, तो जा एक काम के काने राम के नाम के काने फायदा सोच रहे जाए, बिगड़ फायदा के ही कर ले भैया है। अरे आदमी सोच जा काम करे का फायदा है, पूजा पाठ करे का फायदा है, भगवान भजन करे का फायदा है, और तो दुनिया भर के या डेकोरेशन में खाए पीवे में लीपा पोती ने उड़ा रहे बिनते का फायदा है? महात्मा ने जैसा कहा तो ठीक है, आप जैसा करे तो एक बार ले ले तुम का लग रहे हो राम, ठीक है महाराज यही संतुष्ट है। क्योंकि अभी एक और बात है, हाँ तेरे जो राम का नाम लिया है एक बार, अगर जीवन में कभी भी कोई तोते जे कहे कि तू जा एक नाम की कीमत ले ले तो मांगियो मत। भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, पुण्य करना, कुछ भी करो थोड़ा करो, परंतु देखो तो हिसाब किताब, क्योंकि महाराज आजीवन भर पाप करे बस केवल एक राम को नाम लाए जीवन में, बस बातें कही हो भैया तू जा एक राम के नाम को कछु ले ले, का मांगे रहो बोलता है ले ले, बताते नित्य पर एक एक तरपा है यार, बात याद आ गई कि गुरु महाराज ने मने कर दी मांगना नहीं चाहिए। पाने कही भैया मांगो तो ना, बाकी कीमत का है ताय तो दे दे। अब यमराज सोचे कि राम के नाम की कीमत है वो हमें का पता का कीमत है, जे मांग ले कछु तो बाकी बदले में दे दे बरोबर है जाए। यमराज बोले तो अब जा राम के नाम की कीमत कौन के कौन पता पड़े? बे भैया शीर्षन आपके जे पहुंचे कि तुम राम राम ज्यादा जपतो, राम नाम की कीमत का है कोई हमन ना पतो, हम तो भजन करते। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कही कि बाकी कीमत को तो हमने ना पतो। शंकर जी के पास पहुंचे, महाराज तुम्हें राम को नाम बहुत प्रिय है, राम नाम की कीमत बता दो। जाओ कही भैया अपन ना पतो, अपन तो भगवान को भजन करते, एक काम नहीं करो ताको नाम हो तो तई के पास नहीं चलो, हाँ भाई तो पूछेंगे भैया तुम्हारे नाम की कीमत का है। भगवान नारायण के धाम में पहुंच गए, सब एकत्र तो हो गए, माने का बात है कि जाने आजीवन भर एक नाम लयो और कुछ करो ना, पाप करे अब जी मांग रहे हो बा नाम की कीमत दे दो, जाके नाम की कीमत दे के ना यार आजीवन पाप करे ताकि फिर नरक न जाए। भगवान ने कहा कि नाम की कीमत तो मुझे भी मालूम नहीं है, ब्रह्म राम से नाम बड़ है बरदा एक बरदान, रामायण सतकोट में लिए महेश जी अदा। नाम बड़ा है पर इतना तो जानता हूं कि बाकी कीमत का, जब वो एक नाम थे जय बैकुंठ मेज ही आए गए हो तो अब जहते जे जा तो ना तो बचाओ। एक नाम के प्रभाव से हरी लाल की नाम की महिमा Bye.
Thank you.
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा एक बार इंद्र दरबार में बृहस्पति जाते हैं। इंद्र सभी देवता अपने नृत्य गाने में मस्त रहते हैं। गुरु को ना तो आदर दिया, ना आसन दिया, ना सम्मान दिया, कुछ नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं, वो तो अपने नाच गानों में मस्त थे। गुरु वहां से रुष्ट होकर के चले गए। बाद में पता लगा कि गुरु महाराज आए, अरे आए तो उनको आदर सत्कार ने दिया, आसन ने दिया, किसी ने बैठने को नहीं कहा, अपने जनसा में लगे। देवता ने गुरु को ढूंढा, गुरु नहीं मिले। तब सबने विचार कर कहा, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे तो कुछ जरूरत ना बेचतेगा ना। त्वष्टा ऋषि का पुत्र विश्व रूप है ना, बड़ा तेजस्वी है, उसे बना लो। जो दूसरे पक्ष का व्यक्ति है उसे अपना बनाओगे तो वो दुपक्ष में जाएगा। वो असलों के पक्ष का था। इंद्र ने विश्व रूप को अपना गुरु बना लिया। अब वो विश्व रूप क्या करता था, यज्ञ कराता देवताओं की। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम सुराय नमः स्वाहा, ओम असुराय नमः स्वाहा। देवताओं के लिए तो जोर से स्वा बोंदे और राक्षसन के कानी स्वा बोंदे धीरे से। आज बहुत आदमी ऐसे का कहते हैं दो साठ के दो पच्ची कहते हैं, दो गिला कहते हैं, का कहते हैं परमेश्वर। जो व्यक्ति दो साठ का है वो किसी का नहीं होता। देवताओं ने देखा जी हमारा गुरु बना बैठा है और असुरों का भला कर रहा, उसको उनको हावती देता। इंद्र को गुस्सा आया, उसका वध कर दिया। और दो तरफे को हो तो ही चाहिए, जब सामने आ जाते बात तो यही हो। इंद्र को हत्या लगी, उसका प्रायश्चित किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन उसके बाद में वृत्तासुर हुआ। चित्रकेतु गंधर्व था, मैया सती को कुभाव से देखा, मैया सती ने उसे श्राप दे दिया, जा तुम्हारी नियति खराब है, चित्त खराब है, आसुरी है, असुर हो जा। वो चित्र के तो ही वृत्तासुर के वहां में आया। चित्र के तू ने कहा, मां मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करो। तब उन्होंने कहा, तो ठीक है तुम्हारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। उनके बाद में उन्होंने 49 पवन की कैसे कैसे उनके हुए सब। दधीच ऋषि के द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ, सब कथाएं सुना। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जिस उद्देश्य से भगवान का अवतार होता है उनके हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे, हिरण्य का वध करने के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया। हिरण्य का वध हो हुआ तब हिरण्यकश्यप के मन में भगवान नारायण के प्रति ईर्ष्या जागे और कहा, हे विष्णु तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा अस्तित्व
खत्म कर दूंगा। हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु पति के शोक में, माता ज्योति शोक में उनको समझा करके हिरण्याकश्यप ने और अपने गुरु के पास आते हैं। गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताएं। संसार में मैं अब विष्णु के भक्तों को नहीं छोड़ूंगा, मैं विष्णु का अंत कर दूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा, हे हिरण्याकश्यप, अगर तू कुछ करना चाहता है तो तपस्या के प्रभाव से सब कुछ होता है, तपस्या करो। तपस्या से वरदान मांग करके और फिर संसार में तुम शक्तिशाली बन करके और तब तुम कुछ कर सकते हो। गुरु के कहने पर हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए जाते हैं। लगी लाओ पानी पिलाओ कुमंडल से। विचार कर रहा, अगर ठाकुर जी मिल जाए ना तब बताऊं जन्म सबूत मिलेगा। ऋषि मुनि महात्मा सब कपने लगे कि गुरु ठाकुर जी आएंगे हाथ में तो ये छोड़ेगा नहीं। सब प्रार्थना करने लगे, हे भगवान बचा देना, बचा देना। घड़ा कश्य पानी पीता हो, पानी का पी रहा वो तो वैसे बगरा रहे, वो तो बुद्धि करो कमंडल में डाल रहे थे वही हाथ मिल जाए। वो पानी पीता हुआ या वैसे देखो तो गो पानी तो खत्म है, और पसाल करा नहीं मिले, वो तो पानी में घुर के अंदर ही चले गए। महात्मा ने देखा, हे परमात्मा जी बचाए दे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। ठाकुर जी सालग्राम पानी में घुल करके हिरण्याकश्यप के अंदर चले गए और घर पहुंचे हिरण्याकश्यप। कयाधु ने देखा, ये तो तपस्या के लिए गए फिर वापस कैसे आए गए। कयाधु तो भगवान की भक्त थी। अब किसी आदमी को मूड खराब हो बात प्रसन्न पूछे तो वो जवाब नहीं देगा। बाको बढ़िया सेवा करना चाहिए, वह शांत करना चाहिए, प्रसन्न करके तब पूछना चाहिए। कयाधु ने बढ़िया सेवा करी, सत्कार करो और कही, महाराज तुम तो तपस्या को गये फिर काहे गये, ये तो वापस आएंगे। हिरण्याकश्यप ने कहा, कसू ना है देवी, दिमाग खराब हो गया। वो कैसे महाराज, जैसे ही मैं तपस्या को बैठो ना, एक तोता ने आकर के मेरे सामने जय जय नारायण 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 का नाम जप कर दिया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा महाराज, कयाधु कहने लगी, हे भगवान कभो तुम्हारा नाम ना लो, आज तो जी तुम्हारे अपने मुख से नाम ले रहे। और थोड़ी देर पीछे खानो मालो खिलाए के नहीं हवा कर रहे हमारा है। वो कान काम में लगी थी और अब मैं फुर्सत में अब सुनाओ के का भयो। तब कयाधु की बात सुन करके हिरण्याकश्यप ने वही कहा कि मेरे सामने ऐसे ऐसे नारायण का नाम लिया। नारायण 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 कयाधु ने सोचा कि आज जैसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। आज तो भगवान का नाम अपने मुख से ले रहे। कयाधु ने 108 बार नारायण का नाम उनके मुख से ले पाया। सोते समय शयन कक्ष में गए और कहा, महाराज अब बताओ
अब हम सबसे निवृत्त हो गए, अब पूरी बात विस्तार से बताओ। सोना पूरी सुनाई। उसी समय कजादू ने ऋतु दान लिया, जिसके अंदर भगवान शालिक राम चले गए, उन्हीं के उसी समय उनका संयोग हुआ, ऋतु दान हुआ, उन्हीं का अंश भगवान का अंश भक्त प्रहलाद कजादू के गर्भ में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सवेरे हुआ और फिर हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाता है। सदेपि मंद्रद्रोण्यं तपे परम दारुणं ऊर्ध्वबाहोर्नभो दृष्टे पादांगुष्ठाश्रितावने। मंद्राचल पर्वत पर गया, वहां उसने ऊपर को हाथ उठा करके एक अंगूठे के भार से खड़े होकर के तपस्या करना आरंभ करते। हिरण्यकश्यप के मन में विचार था कि मैं ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा और मैं स्वयं ब्रह्मा बन जाऊंगा और स्वयं ब्रह्मा बनकर के मैं स्वर्ग को नरक बनाऊंगा, नरक को स्वर्ग बनाऊंगा, पाप को पुण्य बनाऊंगा, पुण्य को पाप बनाऊंगा, अलग अलग सृष्टि रचूंगा, जैसा उन्होंने रचा उससे मैं विपरीत देवताओं को पाताल में भेज दूंगा, दैत्यों को स्वर्ग में भेज दूंगा, ऐसा निश्चय करके उन्होंने तपस्या आरंभ की। प्रहलाद गर्भ में आया, इंद्र ने विचार किया कि ये दैत्य का पुत्र दैत्य होता है, इसको मार दिया जाए, गर्भ नष्ट करने के लिए इंद्र ने बाण दिया और भगवान नारायण ने उस बाण से उस प्रहलाद की रक्षा करी। गर्भ नष्ट नहीं हुआ तो इंद्र ने कजादु का हरण करके और ले गए कि मैं अब कजादु को ही मार दूंगा, उसका बच्चा भी नष्ट हो जाएगा। मैया लक्ष्मी ने कहा नारायण से, प्रभु अब बताओ देवताओं में और दैत्यों में क्या अंतर रह गया? एक हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया तो आपने उसका वध कर दिया और जे इंद्र आज कजादु का हरण करके ले जा रहा है। भगवान नारायण ने देवर्षि को बुलाया, देवर्षि नारद इंद्र के पास जाते हैं और कहा इंद्र आज तुमने ऐसा काम किया है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है और मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें तीनों लोगों को इनाम में दे देता। इंद्र ने कहा ये क्या कह रहे हो? नारद जी ने कहा हे इंद्र तुम्हें पता है हिरण्याक्ष को क्यों मारा? इंद्र ने कहा पृथ्वी का हरण किया, एक स्त्री का अपहरण किया, इसलिए उसे मारा। नारद जी ने कहा आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? इंद्र ने कहा देवर्षि मुझसे बोलो। हिरण्यकश्यप के सभी राज्य को नष्ट कर दिया, महलों को, मंत्री को, सेनाती सब भाग गए, कुछ मर गए, तोड़ फोड़ करके सब कयादु का हरण करके ले गए। नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र तू क्या कर रहा है? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा।
Hey, hey, hey.
Thank you.
सभी देवी देवताओं की अपन बने गुरु महाराज की अपन बने माता पिताओं की जय जय श्री राधे। हरि ओम नारायणाय विनमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विनमहे हंसारुणाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम दधवर्षाय विनमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रं प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विनमहे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विनमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णं प्रचोदयात्। ओम सिंधुसुताय विनमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मंजनीसुताय विनमहे भाईपुत्राय धीमहि तन्नो मारुत प्रचोदयात्। ओम इगदंताय विनमहे भगदन्नाय धीमहि तन्नो इगदंती प्रचोदयात्। शांति पृथ्वी शांति आपे शांति रोषे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति सवा शांति। ओम शांति शांति शांति। हेलो जय श्री राधे।
हाँ सभी से निवेदन है भैया प्रसादी के लिए भगवान न करें, प्रेम से प्रसादी।
सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। Yeah.
तपस्या की अग्नि संसार को जलाने लगी, देवताओं को विचलित करने लगी। तब सभी देवता घड़बड़ा कर भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस हिरण्यकश्यप की तपो अग्नि से रक्षा करें। भगवान ने कहा, वो तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव इनकी तपस्या को शांत करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तब तक इसको वरदान नहीं मिलता तब तक ये तपस्या को स्थगित नहीं करेगा। और वरदान में वो क्या मांगेगा तुम सब जानते हो। देवताओं ने कहा, आप सोच समझ करके वरदान दें। हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा जी जाते हैं। तेन तप्ता देवं त्वक्ता ब्रह्मलोकं ययोसुरा धात्रे विज्ञापयामः सुदेव देव जगतपते। सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना, कठिन तपस्या को देख करके